हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट दिस इज द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग यूनिट नंबर 8, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, स्पीड एंड स्ट्रेंथ हम लोगों ने पढ़ लिया था. नेक्स्ट है एंड्यूरेंस. एंड्यूरेंस मीन्स होता है सेंसिंग का. इसमें पहला है एरोबिक कैपेसिटी. आपकी कैपेसिटी जो है वो एरोबिक, यानी कि आपकी ऑक्सीजन अपटेक इनटेक करने की जो कैपेसिटी है वो कैसी है. जब आप रनिंग में होते हैं तो आप कितनी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, यानी कितनी ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, वो डिसाइड करती है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, उसमें दो चीजें हैं. नंबर वन है ऑक्सीजन इनटेक एंड ऑक्सीजन अपटेक. ऑक्सीजन इनटेक क्या है? ऑक्सीजन इनटेक द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी टेकन बाई द लंग्स फ्रॉम द एटमोस्फियर इन रनिंग सिचुएशन एंड इन वॉकिंग सिचुएशन. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी टेकन बाई द लंग्स फ्रॉम द एटमोस्फियर. एटमोस्फियर से वो अमाउंट ऑक्सीजन का जो एटमोस्फियर से हमारे अंदर कंज्यूम किया जाता है उसको हम ऑक्सीजन इनटेक कहते हैं. If this amount is more than the better for achieving higher VO2 max, volume of oxygen, maximum volume of oxygen, जितना maximum होगा ठीक है उतनी ही energy produce होती है. और second है oxygen uptake. इसमें intake में तो हो कि atmosphere से कितनी oxygen हमने consume की, और oxygen uptake है the amount of oxygen taken into the blood from lungs. जब हमने इनटेक की तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है. लंग्स से वो ऑक्सीजन ब्लड में कितनी चली जाती है, दैट इज ऑक्सीजन अपटेक. राइट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वर्किंग मसल्स. वर्किंग मसल्स के द्वारा हमारे लंग्स से ऑक्सीजन कितनी मात्रा में हमारे ब्लड में टेकन टू द ब्लड, ब्लड कितना उसको एब्जॉर्ब करके हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, दिस इज द ऑक्सीजन अपटेक. ठीक है, ये ऑक्सीजन इनटेक और ऑक्सीजन अपटेक एक नंबर पे कई बार पूछा गया है. नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड इंटॉलरेंस. लैक्टिक एसिड इंटॉलरेंस, जब आप रनिंग करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट द रनिंग एंड आफ्टर सम टाइम यू फील फटीग, आप कुछ समय बाद फटीग यानी थकान महसूस करते हैं, उसके बाद आपको ऐसा लगता है प्लीज स्टॉप इट, बट इफ यू आर कंटिन्यू देन दिस लैक्टिक एसिड इंटॉलरेंस इज हैज क्लियर. अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो वो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, आपको थकान का अनुभव होता है और आपकी किसी भी कॉर्न साइड में स्टमक के लेफ्ट या राइट साइड में थोड़ा सा पेन होता है और आपको ऐसा लगता है कि आप रुक जाए. बट अगर आप इस स्टेज को, इंटॉलरेंस की स्टेज को आप पार कर गए और आप कंटिन्यू रखिए आप रनिंग, तो वो धीरे से खत्म हो जाती है. तो ये ही होता है लैक्टिक एसिड का बनना, हमारी मसल्स के, हमारी जॉइंट्स के बीच में लैक्टिक एसिड बनता है जिसके कारण ये स्टेज आती है. दूसरा है मसल्स कंपोजिशन. मसल्स कंपोजिशन यहां स्पीड में भी था और स्ट्रेंथ में भी था और एंड्योरेंस में भी है. मसल्स का कंपोजिशन कैसा है, यानी कि आपके अंदर किस तरह के फाइबर्स हैं, आपकी बॉडी की किस तरह के फाइबर्स से ज्यादा मिले, यानी कि आप सपोज करिए 100% है और 100% में आपके अंदर 70% फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स हैं और 30% स्लो ट्विस्ट फाइबर है. तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर होंगे या शॉर्ट डिस्टेंस रनर होंगे, कैसे एथलीट आप होंगे, तो वो ही डिसाइड करेगा आपकी एंड्योरेंस. ठीक है, और इसके बाद आ जाता है फ्लेक्सीबिलिटी. फ्लेक्सीबिलिटी, व्हाट इज फ्लेक्सीबिलिटी, फ्लेक्सीबिलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट फ्लेक्सीबिलिटी. फ्लेक्सीबिलिटी की डेफिनेशन है द रेंज ऑफ द जॉइंट. लिसन, ये जॉइंट है हमारी उंगली में, इसकी जॉइंट की रेंज कितनी है, अगर हम इसको कितना हम नीचे तक ला सकते हैं. तो ये जो जॉइंट की जो रेंज है इसको हम इस फ्लेक्सीबिलिटी बोलते हैं. द रेंज ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड द मूव, द रेंज ऑफ द जॉइंट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्सीबिलिटी.
ठीक है, हमारी बोन्स के अंदर जो जॉइंट्स हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं, उनकी रेंज कितनी है, वो कितना मुड़ पाते हैं, ठीक है ना, तो उस रेंज को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी को हम फिजिकल फिटनेस को निर्धारित करने के लिए हमारे अंदर, हमारी बॉडी में एक कंपोनेंट है, एक फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स में जितनी स्ट्रेंथ होगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम होगी, राइट। दूसरा है जॉइंट स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के जॉइंट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसकी बनावट कैसी। जैसे देर आर वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। सम ऑफ जॉइंट्स इंस्ट्रक्टली हैव अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन देन अदर, कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जैसे अगर शोल्डर जॉइंट की बात करें तो आप हाथ को हिलाओ या रिस्ट को हिलाओ, ठीक है ना ये, लेकिन अगर आप कोहनी को, तो कोहनी का एक्सटेंशन इतना ही है, इससे इधर नहीं जा पाएगी, ऐसे तो मूवमेंट हो जाएगा, ये हिंज जॉइंट कहलाता है। तो कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, 360 डिग्री तक मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ 180 तक कर सकते हैं, कुछ 90 डिग्री तक कर सकते हैं, ठीक है। एज एंड जेंडर, दूसरा है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों में कितनी स्ट्रेचेबिलिटी है, कितना लचीलापन है, कितनी संकुचनशीलता है, एक्सटेंसिबिलिटी है, ठीक है। और लास्ट है प्रीवियस इंजरी, अगर आपको पहले कोई चोट लग गई, प्रीवियस इंजरी है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि चोट लगने से उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाती है। तो बच्चों देर आर फोर फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। पहला था स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फोर कंपोनेंट्स थे जो कि फिजिकल फिटनेस को निर्धारित करने के लिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, तो इसके लिए आप लोग ये इस टॉपिक के नोट्स बनाइए, इसमें से इम्पोर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्ट, हार्ट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सामने, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।